माय चैनल गाइस, मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक नेचुरल हेयर क्लिंजर जो कि मैं करीबन जब मैं 12 या 13 साल की थी तब से मैं यूज कर रही हूं और वो ऑसम हेयर क्लिंजर है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो और आपको वो हेयर क्लिंजर भी बहुत पसंद आएगा। ये हेयर क्लिंजर जो है सब लोग यूज कर सकते हैं, ऑल हेयर टाइप्स है, किसी भी तरीके के हेयर्स हों, किसी ड्राई हेयर्स, आपके ऑयली हेयर्स हों, स्कैल्प ऑयली हो या डैंड्रफ बहुत होता हो या झड़ते बहुत हों, वो हर तरीके के बालों पे काम करता है बिकॉज इट इज कम्प्लीटली नेचुरल हेयर क्लिंजर और इससे बाल बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं, बहुत कम पानी में वॉश होते हैं और बाल शाइनी भी रहते हैं और बाल लंबे भी होते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत दिन से इसको यूज कर रही हूं, बचपन से, मैं एकदम जब से मुझे याद है मैं तब से यूज कर रही हूं, लाइक 12 या 13 साल की थी मैं तब से यूज कर रही हूं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट द सीक्रेट ऑफ माय हेयर्स। अभी तक के हेयर्स का मैं अपना सीक्रेट बताने वाली हूँ। यू कैन सी हियर कि मेरे बालों, मैंने आज ही उससे बाल धुले हैं और यू कैन सी हियर कि शाइन मेरे बालों में आपको दिख रहा होगा, नेचुरल हेयर शाइन है ये। मैंने कोई भी सीरम अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी इसमें लगाया नहीं है और आज तो मैंने कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया था और आई कैन फील माई हेयर सो शाइनी एंड सो सॉफ्ट। तो अब हम लोग को वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें हेयर क्लिंजर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए रीठा, उसके बाद हमें चाहिए होगा शिकाकाई, उसके बाद हमें चाहिए होगा सूखा हुआ आंवला। तो हम सबसे पहले मग ले लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा शिकाकाई। शिकाकाई के इतने बड़े बड़े लीव्स होते हैं, या यू कैन से शिकाकाई इतना बड़ा बड़ा हमारे पास आता है, लेकिन हम उसको तोड़ तोड़ के यूज करेंगे, लाइक यू नो, लाइक इस तरीके से हम लोग तोड़ लेंगे उसको, इस तरीके से हम लोग उसको तोड़ लेंगे। और इसके बाद हम लोग ले लेंगे इसमें सूखा हुआ आंवला जो, तो यहाँ पर मैं सूखा हुआ आंवला एक मुट्ठी ले रही हूँ। और जैसे अगर मेरे बाल ज्यादा झड़ते हैं तो हम लोग दो मुट्ठी आंवला डालेंगे, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आंवला हमारे बालों की जड़ों को बहुत मजबूत कर रखता है। तो हम यहाँ पे दो मुट्ठी आंवला डालेंगे और थर्ड जो हमें लेना है वो लेना है रीठा। तो रीठा गाइस इस तरीके से बहुत राउंड राउंड एक फल की तरीके से आता है, जैसे बेर होते हैं, तो इस रीठा को आपको इसी तरीके से क्लिंजर के मिक्सर में नहीं डालना है, इसको आपको पहले, सबसे पहले फोड़ना पड़ेगा, इसका बीज निकाल के जो ऊपर का जो पार्ट है वो आपको उसमें डालना है। लाइक मैं आपको एक करके दिखाती हूँ फोड़ना किस तरीके से है। हम लोग जैसे एक ले लेते हैं यहाँ पर और मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ। तो फोड़ने के लिए मैंने कोई भारी सा पत्थर ले लिया है, उससे फोड़ूंगी तो आप देखेंगे इस तरीके से ये फूटेगा और इसके अंदर से ये बीज निकलेगा, ये बीज आपको बाहर निकालना है और इसको फेंकना है, ओके। और जो ये वाला पार्ट है, जो छिलके वाला पार्ट है, ये हमें लेना है और इसका ही क्लिंजर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ फोड़े हुए रीठा रखे हुए थे, तो ये अब हम अपने मिक्सर में ऐड कर देंगे, लाइक ये हमारा मिक्सर है और इसमें हम रीठा अपना ऐड कर देंगे। तो ये हमारा रीठा हो गया। तो सब गाइस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि रेशियो क्या होना चाहिए। रेशियो जो होना चाहिए, अगर एक मुट्ठी आप शिकाकाई इसमें ले रहे हैं तो एक मुट्ठी आंवला लीजिए और इसके अलावा एक मुट्ठी ही रीठा लीजिए। आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं तो आंवला थोड़ा ज्यादा डालिए या फिर दो मुट्ठी आप डाल सकते हैं, क्योंकि आंवला जो होता है बालों की जड़ों को मजबूत रखता है और उनको एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जिससे वो झड़ते नहीं है, और बालों को वॉल्यूमिनस भी आंवला बनाता है और बालों को काला करने में भी वो बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा शिकाकाई भी हमारे बालों को एक शाइन प्रोवाइड करता है और हमारे बालों को एक नरिशमेंट देता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रीठा के बारे में, तो रीठा एक नेचुरल क्लिंजर होता है जो कि आपके बालों को, आपके बालों में जितना भी ऑयल है, डर्ट है, पोल्यूशन है, सब रिमूव आउट कर देता है। तो हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे, हमें जितना हमारा मिक्सर है उससे हमें डबल पानी लेना है, लाइक मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको,
ये हमारा आंवला रीठा शिकाकाई का मिक्सचर जो है वो पूरा डूब जाना चाहिए। इसमें हमें इतना पानी लेना है बिकॉज क्योंकि अगर हमारा मिक्सचर डूबेगा नहीं, जब भी ये आंवला रीठा शिकाकाई फूलेगा ये अपने में पानी एब्जॉर्ब करता है तो पानी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इस तरीके से मैं अपना क्लिंजर बनाती हूँ और ये क्लिंजर जो है आपको एटलीस्ट 5 घंटे सोक कराना है, फिर ही इस पानी से आपको बाल धोने हैं। और इसके अलावा मैं जो करती हूँ इसको पूरी रात इसको सोक करने के लिए रखती हूँ, तब जाके मॉर्निंग में इससे बाल धोती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी आया है हमारा कितना ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन कलर आया है। बहुत ही अच्छा हेयर क्लिंजर हमारा तैयार हो गया है। और जितना पानी हमने डाला था इसमें, उसमें देख सकते हैं आप पूरा रीठा ऊपर तक फूल के आ चुका है और ये एकदम रीठा सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी फिंगर उसमें लगा रही हूँ तो दब रहा है, और इसने अपना जो भी कंटेंट था वो पानी में छोड़ दिया है रीठा ने और शिकाकाई ने और आंवला ने। अब इस ये पानी एकदम तैयार है बाल धोने के लिए। तो ये था मेरा वीडियो आज का गाइस, और आज मैंने आपको बताया कि अपना नेचुरल हेयर क्लिंजर जो, आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज। मेरे वीडियो के सारे रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।